नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक एम टू जॉब रे स्वागत। तो फ्रेंड्स देखु आज भिडियोटी रही हेड कनेस्टेबल बीएसएफ तरफ आपण निजुक्ति सुजोगटी रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपण मिनिमम जदि प्लस टू पास होती तेल आज हेड कनेस्टेबल बीएसएफ निजुक्ति आपण एलिजिबल हो पारे। फिजिकाल कौन हम ना केवल आपणकर हाइट वेट मपा जा रिटन एग्जाम हम एवं आपणकर सिलेक्शन कर जगह कौन सी आपणकर रनिंग हाई जंप लंग जंप किसी भी हेनी। वीडियो पूरा लास्ट जाए देखो पूरा फुल डिटेल्स जनईबी आपंकर टोटाल उपर ऑफिशियल जॉब रोचे कौन सी भी आपन को फील्ड ड्यूटी करने पड़ा ना आपड़ ऑफिस बसिकी कंप्यूटर सेक्शन रे ही आपन काम करेंगे। तो पूरा डिटेल्स जनईबी वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिए। और फ्रेंड्स एवं मुझे वर्तमान ऑफिशियल पीडीएफ फाइल रे विजिट करुच्ची आपन को ऑफिशियल पीडीएफ फाइल दरकार तेल आपड़ा डिस्क्रिप्शन में विजिट करेंगे। आज वीडियो डिस्क्रिप्शन में विजिट करेंगे एम टू जॉब यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप लिंक रही टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करेंगे सेठी मुझे वैकेंसी ऑफिशियल पीडीएफ फाइल टी। तो फ्रेंड्स देखते बीएसएफ बीएसएफ फुल फॉर्म टी आपस्त जानते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तरफ आपंकर डायरेक्ट वैकेंसी रही जहाँकि आपंकर देखते ये जगह रही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और आउ गोटे रही हेड कनेस्टेबल मिनिस्ट्रियल तरफ आपंकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ तरफ आपंकर निजुक्ति रही। तो ये जगह आप वैकेंसी डिटेल्स देखिपे एएसआई स्टेनोग्राफर में केवल एस टी पाई पदवी अच्छी। तो एएसआई स्टेनोग्राफर में केवल एस टी पा आवेदन करेंगे किंतु आपंकर हेड कनेस्टेबल जेनेराल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सबू पिला सब वर्गर पाने पदवी में आवेदन करेंगे। आपन को यह पदवी में आवेदन करने आपन को अनलाइन मध्यम आवेदन करने पड़ो जहाँकि देखते वेबसाइट टे रही www.bsf.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके नेटपाल को जैकि ऑनलाइन माध्यम आवेदन करेंगे। आपणकर पे स्किल देखु स्टेनोग्राफर रे बेसिक सैलरी रोचे 29,200 टंका सैलरी धीरे धीरे बढ़िकी जीव 92,300 टंका पर्यंत। तापर हेड कनेस्टेबल रे आपणकर सैलरी रोचे 25,500 टंका धीरे धीरे सैलरी बढ़िकी 81,100 टंका पर्यंत आपणकर सैलरी जीव। यह तो मुझको कहली केवल बेसिक सैलरी आपण मैंने जानते जमीती कि प्रत्येक आपणकर सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट रो बेसिक सैलरी रो तापर आपणकर टीएडीए एचआर इनक्लूड हुए एक्स्ट्रा अलाउंस मिली थाए एवं बीएसएफ जेहेतु आपणकर गोटे डिफेन्स जॉब रोचे से अलाउंस मिल। तो आपणकर बेसिक सैलरी रु आप धरी दिंतु जे आपणकर 10-15,000 आउरी एक्स्ट्रा आपको मिल। तो ये जो हेड कनेस्टेबल 25,500 टंका जोटा रही आपण मिनिमम भावतु कि 35,000-40,000 टंका आपण प्रथम मासरु ही दरमा पाइबे बोली। तो देखंतु ए वैकेंसी रे आपणकर एज लिमिट रही 18-25 वर्ष जदि आपणकर हेछि ताले आपण एलिजिबल होई परिबे। एससी एसटी स्टूडेंट मानकर 5 वर्षर एज रिलैक्सेशन रही अर्थात एससी एसटी स्टूडेंट मानकर एज लिमिट 18-30 वर्ष पर्यंत रहिबो। ओबीसी मानकर 3 वर्षर एज रिलैक्सेशन रही अर्थात 18-28 वर्ष जदि होउछि ताले से माने एलिजिबल होई परिबे। तो आपण मानकर एज लिमिट कथा गला ए जगार मु आपन कहली केवल दुईटी स्टेज रे ही आपणकर सिलेक्शन करा जिवो जेंती के देखंतु आपणकर कोन कोन सिलेक्शन प्रोसेस रहिछि जेंती के देखंतु प्रथमे फेज 1 रहिछि फर्स्ट फेज रे आपणकर रिटन एग्जाम होबो सेकंड फेज रे आपणकर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होबो। देखि पारथिबे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होबो फिजिकल एंड्यूरेंस टेस्ट नाही केवल आपणकर हाइट वेट चेस्ट मपा जिवो कोनोसी भी आपणकर रनिंग हाई जंप लंग जंप ना। तो देखो मुझे प्रथम आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन कथा कहीदे से स्टेनोग्राफर हो हेड कनेस्टेबल हो दुईट जाक पदवी में आपंकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही आप प्लस टू पास होते ना आप डिप्लोमा जदि पास होती आप एलिजिबल हो पारे। एवं आपणकर एनी स्ट्रीम आर्ट्स हो साइंस हो कमर्स हो डिप्लोमा जेकोसी ट्रेड हो जेकोसी ट्रेड थे भी कौन असुविधा ना से प्लस टू हो बा डिप्लोमा हो जेकोसी कोर्स करते एलिजिबल हो पारे। किंतु फ्रेंड्स देखु एएसआई स्टेनोग्राफर में आपणकर सर्ट हैंड टाइपिंग नलेज आपणकर दरकार हेड कनेस्टेबल आप्लाय करने कंप्यूटर सर्टिफिकेट आवश्यक ना किंतु आपणकर टाइपिंग नलेज थिबा दरकार। तो कौन सी भी व्यस्त होवार ना आप प्रथम आवेदन करूँ एग्जाम क्वालिफाई परंतु जेतेबेले टाइपिंग प्रॉब्लम आसला आपण मते कांटेक्ट करिवे मु आपनकु टाइपिंग रो सॉल्यूशन दे देबी इजीली आपण टाइपिंग रो मध्य क्वालिफाई होई पारिबे। डरंतुनी कि टाइपिंग टेस्ट रे आमे फेल हो जुबो बोले
जदि टाइपिंग टेस्ट रे कौन भी असुविधा हाँ डिस्क्रिप्शन रे विजिट करेंगे। डिस्क्रिप्शन रे इंस्टाग्राम रा लिंक रही है, इंस्टाग्राम रे हाई हेलो मेसेज न करके डायरेक्ट सीधा सड़क जहाँ भी आपंकर डाउट रोते आपड़ मेसेज करके आपंकर डाउट क्लीयर करेंगे। तो देखो आपंकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कहीदेली, एवं आसन जावा फिजिकाल स्टैंडर्ड टेस्ट जहाँकि आपंकर ASI स्टेनोग्राफर और हेड कनेस्टेबल आपंकर फिजिकाल स्टैंडर्ड टेस्ट हम जहाँकि देखो पुओ पिला मानकर हाइट 165 सेमिटर हो दरकार, सब वर्ग कथा कहूँ 165 सेमिटर होता दरकार, पुओ पिला झील पिला 155 सेमिटर होता दरकार, केवल ST पुओ पिला हाइट 162.5 सेमिटर होता दरकार, ST झील पिला 150 सेमिटर जदि हाइट होने से एलिजिबल हो पारे। हाइट गला झील पिला केवल हाइट मपा जा, पुओ पिला हाइट और चेस्ट मपा जा, जहाँकि देखूँ आपंकर चेस्ट रही जेनेल OBC SC EWS पुओ पिला मानकर रही 77 सेमिटर मिनिमम, तापर जेतेबेले छाती फुलेबे 5 सेमिटर एक्स्ट्रा फुलेबे जहाँकि 82 सेमिटर पहुँचुवा दरकार। से बरिका केवल ST पुओ पिला मानक कथा जदि कहिबी चेस्ट रही 76 सेमिटर, चेस्ट जेतेबेले आपण फुलेबे 81 सेमिटर आपणकर होउथिबा दरकार। एहा गला मु आपनकु जणै देली जे आपणकर फिजिकल रे कोन कोन हबो बोली, एवं आपणकर मेडिकल कथा जदि कहिबी डिस्क्रिप्शन रे विजिट करिवे गोटे मेडिकल रिलेटेड गोटे इंडिविजुअल वीडियो मु अपलोड कर देती, से वीडियो को देखि नेबे आपणकर संपूर्ण भाव डाउट क्लियर हो जे मेडिकल रे कौन सब हुए। किंतु यह जेहेतु ऑफिशियल जॉब रहुची तो मेडिकल एते भी हार्ड हबो नाही जेमिति आर्मी SSGD अन्य कोनोसी कांस्टेबल रे जे बाहर वैकेंसी तो सेथिरे जेतिके मेडिकल हार्ड हुए ए जगह रे सेतिके हार्ड हबनी, टिके नॉर्मल रहइबो। जेमिति मु आपनको प्रथम रे कहिली फर्स्ट फेज 1 रे हबो रिटन एग्जाम जहाँकि 100 मार्क रो, से 100 मार्क रो केम केम सब्जेक्ट रु आसीबो क्वेश्चन एवं आपनकर सिलेबस मध्ये मु प्रोवाइड करबी। आपण रिटन जेतेबेले क्वालिफाई करिवे सेकंड स्टेज रे आपनकर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हबो, हाइट वेट चेस्ट मपा जिवो जहाँकि मु आपनकु जणै देली, तापर ASI स्टेनोग्राफर रे शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट हबो, तापर आपनकर जो हेड कांस्टेबल रे टाइपिंग कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हबो, तापर हबो फोर्थ रे आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जदि आपण पास होउछंती ताहाले आपण मेडिकल टेस्ट कु जिवे, तापर आपनकर फाइनल गोटे कट ऑफ बाहरिवो एवं आपनक घरकु जॉइनिंग लेटर आसिवो। तो फ्रेंड्स एबे आसुन जिवा प्रथमे जो रिटन एग्जाम हम से रिटन एग्जाम रो कौन कौन सब एग्जाम पैटर्न रोचे, तो टोटल उपर देखु MCQ टाइप रो क्वेश्चन रोज 100 मार्क 100 टी क्वेश्चन रमती देखूँ पार्ट 1 रे आप हिंदी नहले इंग्लीश लांगुएज रपे सिलेक्ट करें इंग्लीश देवे फास्ट पार्ट 1 रे जो इंग्लीश आउ हिंदी ग्रामर रपणकर निज इच्छा आप इंग्लीश ग्रामर देवे ना हिंदी ग्रामर देवे 20 मार्क 20 टी क्वेश्चन आसो। सेकेंड रे हबो जनरल इंटेलिजेंसी जहाँकि 20 टा क्वेश्चन 20 मार्क, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रु रहइबो 20 टी क्वेश्चन 20 मार्क, तापर क्लरिकल एप्टीट्यूड रु रहइबो 20 टी क्वेश्चन 20 मार्क, तापरे पार्ट 5 रे रहइबो आपनकर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रहइबो 20 टी क्वेश्चन 20 मार्क। कंप्यूटर पूरा इजी लेवल रो क्वेश्चन आसीबो तो बहुत नॉर्मल रहिछि, निहाती भाबरे सब स्टूडेंट आवेदन करंतु, आवेदन करिया पई भूलिबे नाही। तापर मु आपनको एग्जाम पैटर्न मध्ये कहि दउछि आपनकर ए जगह रे देखंतु अनरिजर्व माने होउछि जनरल EWS कैटेगरी मानको पई पासिंग मार्क रहउछि 35 मार्क, OBC SC ST मानकर रहउछि 33% मार्क। जदि आपन रखुछंती ताले आपन सेकंड स्टेज कु जिवे जहाकि फिजिकल दबा पई जिवे। तापर मु आपनकु कहि देली जे कोन कोन रहिछि आपनकर मेडिकल रे, ता उपर गोटे वीडियो अपलोड हेछि डिस्क्रिप्शन रे विजिट करिके से वीडियो टुकु देखि नेबे, एवं आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे केम केम सब डॉक्यूमेंट रे आवश्यक पडिबो ताहा मध्ये मु आपनकु जणै दउछि। देखंतु जेमिति कि आपनकर ए जगह रे आपन केमिति आवेदन करिवे ना ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिवे, वेबसाइट टी रहिछि www.bsf.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट रे विजिट करिके आपन नेटवर्क कु जाई कि ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिवे। आपनकर ऑनलाइन डेट टी आरंभ होछि August 8 तारिख रु, ऑनलाइन लास्ट डेट टी रहिछि 6 सेप्टेम्बर आपणकर ऑनलाइन लास्ट डेट रही। तो केम सब डॉक्यूमेंट रे आवश्यक पड़ो ना 10th सर्टिफिकेट, +2 सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, Gmail ID, पासपोर्ट साइज फोटो, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जदि आपण OBC बा SC ST कास्ट बिलंगस करछंती ताले कास्ट सर्टिफिकेट देबे, बस एतिकी डॉक्यूमेंट को ही नहीं कि आपण नेट पालर को जानतु एवं ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करंतु। तापर फ्रेंड्स देखंतु आपणकर ए जगह रे जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हबो आमर ओडिसा रो पिला मानंकर ओडिसा रो खोरदा रे ही आपणकर BSF बटालियन जो अछि सेई जगह रे ही आपणकर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हबो आम ओडिसा पिला मानंकर खोरदा रे हबो। उभय पुरुष एवं महिला दुई जणंकर
ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭେକେନ୍ସିରେ ଯେଉଁ 100 ମାର୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେ 100 ମାର୍କ ଉପରେ ହିଁ ତ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେ 100 ମାର୍କରୁ ହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବି ବୋନସ୍ ମାର୍କ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ନାହିଁ କିଛିରେ ବି। ସେ 100 ମାର୍କରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯିବ, ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ PDF ଫାଇଲ୍ଟି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ PDF ଫାଇଲ୍ଟି ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମ ଏମ୍ଟି ଜବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ PDF ଫାଇଲ୍ଟି ମିଳିଯିବ। ଏ PDF ଫାଇଲ୍ର ସବା ତଳକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସବା ତଳେ ଆପଣଙ୍କର 26 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ରହିଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 27 ପେଜ୍ ଅଛି। 26 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ PDF ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଭେକେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭିଜିଟ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ମେସେଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଅପଡେଟ୍। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ।